नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। सलमान सलीम खान के घर मिले धमकी भरे पत्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, पर तफ्तीश में कहानी कुछ अलग ही सामने आ रही है। तो अहम सवाल ये भी है कि क्या कुछ महीनों की राहत के बाद प्रदेश कोविड की चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं भीड़ पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा के पूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। तो उधर मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने उलेमाओं से मुलाकात की है। खबर है कि अधिकारियों ने शुक्रवार को नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने की अपील की है। इस बीच राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 20-21 जून को मुंबई में एक बैठक बुलाई है। सवाल ये है कि जब पवार यह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो फिर इस बैठक का क्या उद्देश्य है? प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सलमान सलीम खान के घर मिले धमकी भरे पत्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पुणे में गिरफ्तार कुछ साथियों ने दावा भी किया है, पर मुंबई क्राइम ब्रांच इन दावों के बाद जब इन्हें वेरीफाई कर रही है, तो कहानी कुछ अलग ही सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े पहले आरोपी सिद्धेश कांबले उर्फ महाकाल को जब पुणे ग्रामीण पुलिस ने अरेस्ट किया, तो उसने 3 लोगों के नाम बताए जो राजस्थान से मुंबई आए थे। सलमान खान के घर के बाहर के बेंच पर 5 जून को लेटर रखा मिला था, जिन 3 के नाम कांबले ने बताए। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की पड़ताल में पता चला कि वह उस दिन किसी और केस में जेल में बंद थे। कांबले ने यह भी बताया कि इन 3 लोगों में 2 पालघर की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब उस फैक्ट्री में जांच पड़ताल की, तो पता चला कि उस नाम के व्यक्तियों ने कभी उस फैक्ट्री में काम ही नहीं किया। क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना है कि उनकी जांच में कुछ संदिग्धों के नाम आए हैं, वे उनकी जांच कर रहे हैं। गत सोमवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच में सलमान के घर पत्र छोड़ने के पीछे का मकसद डर पैदा करना और फिर इस बहाने लोगों से उगाही करना था। सूत्रों के अनुसार अंडरवर्ल्ड से अलग अलग गिरोह की तर्ज पर बॉलीवुड हस्तियों से भी उगाही की जाने वाली थी। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 8,641 नए मामले दर्ज किए गए। अकेले महाराष्ट्र में यह संख्या 4,000 के पार थी। महाराष्ट्र में 12 फरवरी के बाद पहली बार कोरोना के डेली मामलों की संख्या इतनी पहुंची। अकेले मुंबई में 2,293 मामले सामने आए, जो 143 दिनों में सबसे अधिक था। मुंबई में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA.4, BA.5 सब वेरिएंट के मामले भी बढ़े हैं। अहम सवाल यह है कि क्या कुछ महीनों की राहत के बाद भारत कोविड की चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है। IIT कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, अब घबराने की जरूरत नहीं। SIR मॉडल के जरिए कोविड की पिछली 3 लहरों में सटीक आकलन कर चुके प्रोफेसर रंजन ने कहा कि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले अचानक दिल्ली में केस बढ़ने लगे थे, यह इजाफा लोकल ही था। महाराष्ट्र और केरल में कुल मिलाकर रोजाना 8,000 से 9,000 केस आ रहे हैं। यह राज्यवार एक छोटी लहर जैसा मामला है। संभव है कि महीने के अंत तक प्रतिदिन 30,000 से 50,000 केस आ जाए, लेकिन नेशनल लेवल पर एक साथ केस बढ़ना या पीक आने जैसा कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र और केरल में नए केसों में तेजी की वजह वहां आबादी का घनत्व है। कोरोना से अधिक संक्रमित युवा हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित होने वाले में अधिकांश लोगों की उम्र 21 से 50 आयु वर्ग के बीच की है। युवाओं की बड़ी संख्या में संक्रमित होने की वजह कोरोना के प्रति लापरवाही बरतना व बूस्टर डोज लगवाने में रुचि नहीं लेना माना जा रहा है। महाराष्ट्र की बीड पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नुपुर शर्मा के खिलाफ इस संबंध में पहले से ही मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के कुछ अन्य स्थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि एक वकील सैयद अजीम ने बीड पुलिस से शिकायत की थी कि टीवी पर बहस के दौरान शर्मा की टिप्पणी से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर बीड पुलिस ने बुधवार को नुपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 505/2 के तहत मामला दर्ज किया। भाजपा ने विवाद बढ़ने और बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने के बाद अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। हैरत की बात यह है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में अब कई मौलाना ही उतर आए हैं। पाकिस्तान के एक चर्चित मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली ने खुलकर कहा कि मुस्लिम पैनलिस्ट ने पहले नुपुर शर्मा को भड़काया, इसलिए दोषी वह है, जिसके जवाब में BJP की निलंबित नेता ने पैगंबर के बारे में टिप्पणी की। नुपुर शर्मा के बयान के अंदाज से यह सहज ही पता चल रहा है कि वह पलटवार कर रही है।
पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी विवाद को लेकर तनाव जारी है। इसी बीच मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने उलेमाओं से मुलाकात की है। खबर है कि इस दौरान शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने की अपील की है। पिछले शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें सामने आई थी। ACP दिलीप सावंत, ज्ञानेश चव्हाण और DCP जोन 3 योगेश गुप्ता ने नागपाड़ा के पास बिलाल मस्जिद में उलेमाओं से मुलाकात की। बैठक के बाद मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने कहा कि वह प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की पुलिस की बात से सहमत है। उन्होंने कहा कि हमने पहले देखा है कि प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसे किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने से बचेंगे। हम प्रकाश अंबेडकर से विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील करते हैं। उन्होंने हमेशा मुस्लिम समुदाय का समर्थन किया है। हमने लोगों से नूपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत जैसी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। बता दें कि पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है। खबर है कि वह शुक्रवार को नमाज के बाद 17 जून को विरोध जताने की तैयारी कर रहे हैं। उधर रजा एकेडमी के मौलाना सईद नूरी ने कहा कि मैंने नूपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें अलग अलग मामलों में समन भेजा गया है। आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रेस से NCP सुप्रीमो शरद पवार ने खुद को कुछ दिन पहले ही अलग कर लिया था। बावजूद इसके वो बुधवार को TMC नेता ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हुए। यह बैठक विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में भी पवार को दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने बैठक के दौरान बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया है। अब खबर यह भी है कि शरद पवार एक दूसरी बैठक बुलाने वाले हैं, जो कि 20-21 जून को मुंबई में होगी। सवाल यह है कि जब पवार यह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो फिर इस बैठक का क्या उद्देश्य है? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वाले मानते हैं कि पवार के मन में क्या चल रहा है, इसे खुद उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। पवार जब हाँ कहते हैं तब ज़्यादातर इसका मतलब न में होता है, और जब वो न कहते हैं तब इसका मतलब हाँ होता है। पवार आखिर तक अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। शरद पवार इस बात को बखूबी जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जीत के लिए जरूरी आंकड़ा विपक्ष के पास नहीं है। लोकसभा में विपक्ष की ताकत काफ़ी कम है, लिहाजा वे यह रिस्क लेने से कतरा रहे हैं। संभवतः पवार आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं, ताकि उस चुनाव में थर्ड फ्रंट के जरिए BJP को कड़ी टक्कर दी जा सके। यदि वो दिल्ली में सक्रिय होते हैं तो यह पार्टी बिखर सकती है और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में होगा। देश में इस समय 3 मुद्दों पर जमकर हंगामा बरपा है। एक तरफ सेना भर्ती से जुड़े नए कानून को लेकर सेना में भर्ती की तैयारी देख रहे युवक विरोध पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ नूपुर शर्मा को लेकर बवाल मचा हुआ है। उनके विवादित बयान के विरोध में जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। वही नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ED द्वारा की जा रही लगातार व गहन पूछताछ व कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से कांग्रेस का रोष बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस इस सड़कों पर उतर आए हैं, तो उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस बीच अभिनेत्री साई पल्लवी ने द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर दिखाए गए अत्याचारों की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सेना भर्ती से जुड़े नए कानून को लेकर सेना में भर्ती की तैयारी देख रहे युवक विरोध पर उतर आए हैं। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या नौजवान सड़क पर उतर गए और गोरखपुर खजनी मार्ग पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। बच्चों के सड़क पर बैठने से लंबा जाम लग गया और सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि सूचना पर SDM के नेतृत्व में पहुंची पुलिस बच्चों को समझाकर जाम खुलवाने में सफल रही। बिहार के नवादा जिले के भाजपा कार्यालय में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन के बक्सर और आरा स्टेशनों पर जमकर तोड़फोड़ हुई है और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। विरोध की यह कड़ी भागलपुर से बक्सर तक देखने को मिल रही है। कई जगह ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दी गई है, तो आरा में ट्रेन पर पथराव से कई यात्री जख्मी हो गए हैं। मोतिहारी, सिवान, छपरा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर, कैमूर सहित कई शहरों में पिछले 2 दिनों में विरोध तेज हुआ है। गया में गांधी मैदान में युवाओं ने सभा की। यहाँ प्रशासन पहले से सतर्क रहा और सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। युवाओं का कहना है कि सरकार को सेना में भर्ती, वेतन और पेंशन के लिए पुरानी प्रक्रिया को ही जारी रखा जाना चाहिए। नूपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में जुमे की नमाज के बाद में हुए प्रदेश भर में हुए हिंसक प्रदर्शन के विरोध में गुरुवार को प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया।
बजरंग दल ने इस दौरान जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुदेव चौराहा, खलासी लाइन, रामा देवी और किदवई नगर चौराहे पर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने काफी देर तक नारेबाजी की। कुछ स्थानों पर आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की भी बात सामने आई है। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और शांतिपूर्ण माहौल और सौहार्द बने रहने की कामना की। साथ ही सरकार से कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल काशी प्रांत के सहसंयोजक कृपाशंकर तिवारी संजीव ने कहा कि हिंसा के आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। बता दें कि नूपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में देश भर में कई संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल जुमे की नमाज पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। धर्मगुरुओं से प्रदर्शन में भाग नहीं लेने की अपील की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही लगातार व गहन पूछताछ व कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से कांग्रेस का रोष बढ़ता जा रहा है। आज चौथे दिन भी राहुल को तलब किया गया है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के जुल्म पर एतराज जताया। कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता आज देश भर में राजभवनों का घेराव कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज संसद भवन स्थित स्पीकर के कक्ष में बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चौधरी ने कहा कि हमने स्पीकर से हमारे साथ हो रहे जुल्म की शिकायत की। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बर्ताव व कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश पर नाराजगी जताई। चौधरी ने कहा कि पुलिस थानों में भी दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हमारे सांसद और कार्यकर्ता आतंकवादी हो। राहुल गांधी को लगातार 3 दिनों तक 10 से 12 घंटे लंबी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हमें इसका कोई विरोध नहीं है, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्रतिशोध और हिंसा की राजनीति का प्रयोग न करें। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का प्रवेश व सांसदों व कार्यकर्ताओं पर हमले सुनियोजित थे। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने पार्टी संसदीय दल के दफ्तर में बैठक कर उत्पन्न राजनीतिक स्थिति पर भी विचार किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई। सरकारी पक्ष के तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जहां इस कार्रवाई को सही ठहराया है, वहीं याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अनधिकृत संरचनाओं को हटाने में कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज व कानपुर विकास अथॉरिटी से इस मामले में 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए। अब इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। वही याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के बताया कि विध्वंस का कारण यह बताया गया कि हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिंह ने आगे तर्क दिया कि विध्वंस बार बार होता रहता है, यह चौंकाने वाला और भयावह है। यह आपातकाल के दौरान नहीं था, स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान नहीं था। ये 20 सालों से अधिक समय से खड़े घर है और कभी कभी ये आरोपी के नहीं बल्कि उनके वृद्ध माता पिता के भी होते हैं। अभिनेत्री साई पल्लवी ने हाल ही में दिए साक्षात्कार में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर दिखाए गए अत्याचारों की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। धर्म के नाम पर हो रही हिंसा की निंदा करते हुए अभिनेत्री साई पल्लवी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन की तुलना गौरक्षकता से कर डाली है। अभिनेत्री ने कहा कि कश्मीर फाइल्स ने दिखाया कि उस समय कैसे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था। यदि आप इस मुद्दे को एक धार्मिक संघर्ष के रूप में ले रहे हैं तो हाल ही में एक उदाहरण था जहां एक मुस्लिम पर हमला किया गया था। जब वह गायों को ले जा रहा वाहन चला रहा था और लोगों ने जय श्री राम का जाप किया तो फिर क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, इसमें अंतर कहाँ है। साई पल्लवी के इस विवादित बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। एक तरफ कुछ लोग साई पल्लवी का सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग उन पर भड़क रहे हैं। साई पल्लवी ने अपने साक्षात्कार में ये तक कह डाला कि मैं एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ। मैंने लेफ्ट विंग और राइट विंग के बारे में सुना तो बहुत है लेकिन मैं किसी को भी सही या गलत नहीं कह सकती। साई पल्लवी अपनी आगामी फिल्म विराट पर्वम के प्रचार में व्यस्त है जो 17 जून को सिनेमाघरों में आने वाली है। पाकिस्तान के एक चर्चित मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली ने खुलकर नूपुर शर्मा का समर्थन किया है। मौलाना अली ने कहा कि मुस्लिम पैनलिस्ट ने पहले नूपुर शर्मा को भड़काया इसीलिए दोषी वो है, जिसके जवाब में बीजेपी की निलंबित नेता ने पैगंबर के बारे में टिप्पणी की। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से एक कॉल पर कहा कि बीजिंग संप्रभुता और सुरक्षा पर मास्को का समर्थन करता रहेगा। वही उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि तेहरान एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है।
तो उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत कुछ ठीक नहीं नजर आ रही। एक वीडियो में उन्हें कांपते हुए और खड़े होने में परेशानी में देखा गया है। इस बीच इसराइल में पुरातत्वविदों ने एक शापित मकबरे को खोजा है, जिस पर खूनी शब्दों में इसे खोलने वाले को चेतावनी दी गई है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए बयान पर भारत से लेकर मुस्लिम देशों में बवाल मचा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के एक चर्चित मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली ने खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। मौलाना अली ने कहा कि मुस्लिम पैनलिस्ट ने पहले नुपुर शर्मा को भड़काया और इसके जवाब में बीजेपी की निलंबित नेता ने पैगंबर के बारे में टिप्पणी की। पाकिस्तानी मौलाना ने कहा कि पहला मुजरिम वह मुसलमान है जिसने किसी के धर्म के बारे में लाइव टीवी में बात की है। नुपुर शर्मा के बयान के अंदाज से यह पता चल जाएगा कि वह पलटवार कर रही है। नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो हम भी ये कहेंगे, इसलिए पहला मुजरिम वह मुसलमान है जिसने किसी के धर्म के बारे में लाइव टीवी प्रोग्राम में बात की। यह कुरान के मुताबिक नहीं है कि आप किसी के धर्म के बारे में मजाक उड़ाएं, जबकि वह आपका कोई विरोधी धर्म हो। दूसरे धर्म के लोगों के साथ बहस करते समय हमें भाषा का ध्यान रखना चाहिए और अल्लाह ने हमें इसका संदेश दिया है। नुपुर विवाद में अरब देश के लोग एसी में बैठकर माहौल को भड़का रहे हैं। यह मूलतः एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। बता दें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस्लामिक मामलों के जानकार है और अक्सर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। मौलाना अली का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्म हुआ था। वह अपना रिसर्च अकादमी भी चलाते हैं। उन पर 2 बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से एक कॉल पर कहा कि बीजिंग संप्रभुता और सुरक्षा पर मॉस्को का समर्थन करता रहेगा। गत 24 फरवरी को पुतिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी कथित कॉल थी। चीन ने यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण की निंदा करने से इनकार कर दिया है और उस पर पश्चिमी प्रतिबंधों और क्यूब को हथियारों की बिक्री को नष्ट करके रूस के लिए राजनयिक कवर प्रदान करने का आरोप लगाया है। जिनपिंग ने वर्ष की शुरुआत से वैश्विक उथल पुथल और परिवर्तनों के सामने द्विपक्षीय संबंधों में विकास की अच्छी गति की प्रशंसा की और कथित तौर पर कहा कि बीजिंग दोनों देशों के बीच रणनीतिक समन्वय को तेज करने के लिए तैयार था। इस कॉल पर पश्चिमी राष्ट्रों सहित अमेरिका की भौहें तन गई है। खबर है कि कई देशों ने इसे वर्चस्व की लड़ाई से जोड़ दिया है। इसके पहले यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के लिए बीजिंग की ओर से कोई भी समर्थन या पश्चिमी प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए मॉस्को की मदद चीन के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा। बता दें कि चीन के साथ साथ भारत 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने मॉस्को पर आक्रमण के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भाग नहीं लिया है। चीनी अधिकारियों की नज़र में यूरोपीय लोगों ने रूसी गैस उपभोक्ताओं के रूप में अपने हितों के विपरीत वॉशिंगटन की पहल पर खुद को यूक्रेन का समर्थन करने की अनुमति दी है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि तेहरान एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। तस्वीरों में एक रेगिस्तान पर बने प्रक्षेपण स्थल पर एक रॉकेट दिखाई दे रहा है। यह प्रक्षेपण स्थल ईरान के सेमनन प्रांत में इमाम खुमेनी स्पेसपोर्ट पर है। इस स्थल से हाल ही में एक उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने की कई असफल प्रयास किए गए थे। तस्वीरों में एक रॉकेट दिख रहा है जो प्रक्षेपण के लिए तैयार नजर आ रहा है और उसे प्रक्षेपण टावर पर रखा जा रहा है। ईरान ने इस संभावित प्रक्षेपण को लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि मई में एक समाचार एजेंसी ने कहा था कि ईरान फॉरेंसिक कैलेंडर के मुताबिक 2023 के अंत तक लॉन्च के लिए 7 होममेड उपग्रह तैयार कर सकता है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने हाल ही में सुझाव दिया था कि ईरान जल्द ही अपने नए सॉलिड ईंधन से चलने वाला रॉकेट जुलजाना का परीक्षण कर सकता है। जुलजाना रॉकेट पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है। ईरानी राज्य टेलीविजन ने फरवरी 2021 में जुलजाना के सफल लॉन्चिंग का वीडियो प्रसारित किया था। जानकारों का मानना है कि जब रॉकेट को खड़ा किया जाता है तो ऐसा समझा जाता है तो उसका जल्द ही प्रक्षेपण होने वाला है। अमेरिकी सेना के मेजर रॉब लॉडविक ने कहा कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिकी सेना के लिए चिंता का विषय है। पिछले एक दशक में ईरान ने कई अल्पकालिक उपग्रहों को कक्षा में भेजा है। 2013 में उसने एक बंदर को अंतरिक्ष में भेजा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। एक वीडियो में उन्हें कांपते और खड़े होने में परेशानी में देखा गया है। जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है तब से ही अफवाहों का बाजार गर्म है कि रूसी राष्ट्रपति गंभीर रूप से बीमार है। इस बीच उनका एक नया कथित वीडियो सामने आया है। इस नए वीडियो में पुतिन हिलते डुलते दिखे और खड़े होने में परेशानी का सामना करते दिखाई पड़े हैं।
यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख कायरलो बुडानो ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब है। वह बहुत बीमार है और वे कैंसर के साथ साथ कई अन्य बीमारियों से ग्रसित भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन क्रेमलिन में एक पुरस्कार समारोह में भी खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे काफी परेशान नजर आ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समारोह में फिल्म निर्माता निकिता मिखाइलो को रूसी संघ के राज्य पुरस्कार से सम्मानित करते वक्त भी पुतिन आगे और पीछे हिलते डुलते दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही पुतिन पोडियम के पास खड़े होने के दौरान अपना पैर हिलाते हुए भी दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें खड़े होने में परेशानी हो रही है। एक अधिकारी ने यह दावा किया है कि कैंसर खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इस कारण पुतिन के पास जिंदा रहने के लिए 3 साल से अधिक का समय नहीं है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में सभी अटकलों का खंडन किया है। इसराइल में पुरातत्वविदों ने एक शापित मकबरे को खोजा है, जिस पर खूनी शब्दों में इसे खोलने वाले को चेतावनी दी गई है। साफ साफ कहा गया है कि इसे खोलने की कोशिश कतई न की जाए, और अगर किसी ने इस मकबरे को खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। पुरातत्वविदों को यह शापित मकबरा एक प्राचीन कब्रस्तान के भीतर एक नई खुली गुफा में, जो बेत शियरीम में स्थित है, वहाँ के मकबरे में मिला है। यूनेस्को द्वारा घोषित इस विश्व धरोहर स्थल पर 65 सालों के बाद कोई मकबरा मिला है, जिस पर लाल अक्षरों में चेतावनी लिखी गई है। चित्रित रक्त लाल चेतावनी में कहा गया है कि याकोब हागर प्राण ले लेते हैं और उन्होंने इस कब्र को खोलने वाले किसी भी व्यक्ति को शाप देने की कसम खाई है, इसलिए कोई भी इसे खोलने की कोशिश न करे। 60 साल पुरानी हाइफा विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों में से एक आदि एरलिश ने बताया कि शायद शाप यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा गया था कि मृत व्यक्ति का विश्राम स्थान शाश्वत बना रहे। अक्सर ऐसा होता था कि समय के साथ कब्रों का फिर से इस्तेमाल कर लिया जाता था। ये मकबरा करीब 1800 साल पुराना है। खोजकर्ताओं के मुताबिक प्रतिलेखन 1800 साल पहले ही कब्र पर चिन्हित किया गया था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।